please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अपने 11 कर्मचारियों को भ्रष्ट पाकर निकाला। राज्य सरकार की नीतियों का इस्तेमाल करते हुए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अपने 11 कर्मचारियों को निकाल दिया। सभी 11 कर्मचारी कहीं ना कहीं भ्रष्ट पाए गए। इन्हें कर्तव्यों की कमी का दोषी पाया गया। इनके खिलाफ कई मामले लंबित हैं। अशोक खेमका ने हरियाणा के रेरा चेयरपर्सन पर जताया एतराज। हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने सोमवार को हरियाणा रेरा की पीठ के अध्यक्ष के रूप में एक रिटायर आईएएस अधिकारी की नियुक्ति पर ट्वीट कर सवाल उठाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया अधिकारियों को आदेश, जल्दी शुरू करें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर काम। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने अधिकारियों को जल्द से जल्द केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी पर काम शुरू करने का आदेश दिया है। केंद्र के इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों को स्मार्ट बनाया जाएगा। पीएनबी 1324 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बेचेगा पीएनबी हाउसिंग एंड फाइनेंस के 6% शेयर। पंजाब नेशनल बैंक अपनी सहायक कंपनी पीएनबी हाउसिंग एंड फाइनेंस के 6 शेयर कल से बेचना शुरू करेगी। पीएनबी शेयर बेचकर 1324 करोड़ रुपए जमा करना चाहती है। एक शेयर की कीमत 1325 रुपए रखी गई है। कार्लसन ग्रुप ने भारत में 12 और नए होटलों को अपने ग्रुप में शामिल किया। कार्लसन रेजिडोर होटल ग्रुप ने आज बताया कि कंपनी की विस्तार योजना के तहत उन्होंने भारत में 12 और होटलों को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया है। कार्लसन रेजिडोर होटल ग्रुप में अब तक भारत के 140 होटल जुड़ चुके हैं, जो कि 60 अलग अलग राज्यों में हैं। कुछ होटल पूरे हो चुके हैं, कुछ में अभी काम चल रहा है।